सो गाइस, अगर आप भी हो गए अपने कीबोर्ड से परेशान तो फ्रेंड आज की वीडियो में बने रहिएगा। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कीबोर्ड के साउंड से जो ना हो गए परेशान तो कैसे उसका थीम चेंज कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड में जो फोटो लगा होता है वो उसको चेंज कर सकते हैं, उसका साउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में मिलेंगी। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि कीबोर्ड का साउंड कैसे जो ना चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के साउंड आप लगा सकते हैं अपने कीबोर्ड में। तो करीब जो भी बैठा होगा वो बोलेगा ऐसे ही जो ना कीबोर्ड को प्रेस करते रहिए और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पर मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर गो कीबोर्ड के नाम से एप्लीकेशन है, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। तो यहाँ पर चूज गो के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसको जो ना इनेबल करेंगे, नोटिफिकेशन यहाँ पर सारे कुछ इसको जो ना अलो कर देंगे। सेकंड पे आएंगे, यहाँ पर अभी स्विच करना है हमें, यहाँ पर मैं स्विच कर देता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्ट करूँ, ब्लैक सही है। यहाँ पर ऐड आ जाते हैं आपके पास, थीम्स, बैकग्राउंड, स्टिकर, इमोजी, साउंड्स, बस साउंड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर साउंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ लिख के दिखा देता हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे को ये पसंद है तो मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। और बैकग्राउंड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो उन सा आपको बैकग्राउंड पसंद है। ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, अपनी इमेज भी देख सकते हैं बैकग्राउंड में, मैं तो वो नहीं लगाऊंगा। थीम आप चेंज कर सकते हैं अपने, कुछ आपको फ्री में मिल जाएंगे एक, और कुछ आपको जो है ना पैसों में मिलेंगे। तो ये थी वो एप्लीकेशन, अगर आपको पसंद आया तो डाउनलोड।